नमस्कार बच्चों बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज में मैं आज 20 अच्छे सवाल इकोलॉजी के ला रहा हूं बेटा। आज इकोलॉजी पहला रहेगा, फिर इसके मैं 4-5 वीडियो आपको दूंगा। आज भी एक वीडियो है, कल एक वीडियो रहेगा, परसों एक वीडियो रहेगा। इस तरह से 5 वीडियो में इकोलॉजी का 4-5 वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें बेटा जी। अब वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इकोलॉजी का, इकोलॉजी के 20 अच्छे सवाल। जो पहला सवाल आपको बेटा जी 3-4 सेकंड का टाइम रहेगा उत्तर देने के लिए। जब आंसर दे देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल है, ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। ओजोन होल मैक्सिमम कहाँ होता बेटा? यूरोप में कि अंटार्कटिका में, इंडिया में कि अफ्रीका में? आप जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब देख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपका जवाब दूंगा। चलिए तो इसका जवाब हो जाएगा बी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड अमृता देवी सैक्रिफाइज्ड हर सेल्फ लाइफ ऑफ हर 3 डॉटर्स एंड सेवरल अदर बिश्नोईज। आपको पता बेटा जी कि अमृता देवी ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पर लगाया, अपने 3 बेटियों को तथा सेवरल अदर बिश्नोईज थे। ये पूछ रहा कब, व्हेन डिड, तो 1654 में कि 1731 में, 1813 में कि 1782 में? आप जवाब दीजिए, मैं आपका जवाब देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब हो जाएगा आपका बी, 1731। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड। चिपको मूवमेंट कब शुरू हुआ था बेटा? 1953 में, 1962 में, 1974 में, 1981 में? व्हेन वाज चिपको मूवमेंट इनिशिएटेड? आप जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, 1974। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है बेटा? SO2 की CO2 की CO की O3? क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पूछ रहा बेटा आपको। सेकेंडरी पॉल्यूट यानी 3 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। चलिए क्या हो जाएगा ये 4 का डी हो जाएगा, O3। SO2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, CO2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, CO प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, कब ये आया था? एयर जो एक्ट था बेटा कब फोर्स में आया था? 1990, 1975, 1981, 1985? जवाब दीजिए आप। इसका जवाब हो जाएगा बेटा जी 5 का सी, 1981। जानते हैं 1987 में इसमें नॉइज भी जोड़ दिया गया था, तब वो आप अमेंड कर दिया गया था, वो 1987 में नॉइज को भी एयर पोल्यूशन में जोड़ दिया गया था, तो 5 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को कौन पब्लिश करता है? UNEP, WWP, GER, IUCN?
रेड डाटा बुक की बात कर रहा बेटा, रेड डाटा बुक की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा IUCN। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात कर रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 7 जवाब दीजिए आप। इसका जवाब हो जाएगा सी, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया हैज़ 2.4 वर्ल्ड्स लैंड एरिया बट इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज 1.8%, 3.1%, 5.1%, 8.1%। 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया है और स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 का डी हो जाएगा 8.1। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रबल सम अमेरिकन वाटर वीड फाउंड इन इंडिया इज इकॉर्निया है, ट्रैपा है, साइप्रस है, टाइफा है। एक अमेरिकन वीड की बात है, जो अमेरिकन वाटर वीड है जो इंडिया में प्रॉब्लम खड़ी की है बेटा, उसका नाम पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए आप। पहला इकॉर्निया, दूसरा ट्रैपा, तीसरा साइप्रस, चौथा टाइफा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए, इकॉर्निया। विच वन हैज द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो मेज हो गया, मैंगो हो गया, ग्राउंड नट और राइस। ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसकी होती है, तो क्या हो जाएगा बेटा जी इसका हो जाएगा आपका, जवाब दीजिए, मेज, मैंगो, ग्राउंड नट और राइस। तो ये हो जाएगा आपका राइस। बच्चों क्वेश्चन सुपर 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, यानी आधा पड़ाव हम लोग तय कर लिए हैं। बच्चों मेरी आपसे विनती है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए बेटा जी, वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम आप मिलकर के क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। पिरामिड विच कैन नॉट बी इन्वर्टेड, कैन नॉट बी कह रहा बेटा, कैन नॉट बी इन्वर्टेड इन ए स्टेबल इकोसिस्टम इज दैट आप, मतलब ये कह रहा है कि पिरामिड कौन, इनमें से कौन सा ऐसा पिरामिड जो इन्वर्टेड नहीं हो सकता, वो ऑलवेज अपराइट है, वो बायोमास का है कि नंबर का है कि एनर्जी का है कि ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी डी, बायोमास, नंबर, एनर्जी कि ऑल ऑफ द अबव, जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एनर्जी। एनर्जी का जो पिरामिड होता है बेटा ऑलवेज अपराइट होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज 5%, 10%, 15%, 20%। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन पूछा जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, 5, 10, 15, 20। चलिए इसका जवाब हो जाएगा 10%, बी। प्लांट कॉन्स्टिट्यूट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। करा जो प्लांट होता है बेटा, प्लांट क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, वो किस ट्रॉफिक लेवल में आता है, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, निश्चित रूप से आप बेटा क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट ही। क्वेश्चन नंबर 14, इन इकोसिस्टम सेप्रोट्रॉप्स
फंक्शन इन, पहला ह्यूमिफिकेशन, दूसरा मिनरलाइजेशन, तीसरा डिकम्पोजिशन और चौथा ऑल ऑफ द अबव, सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं। तो बताइए ए बी सी डी किसके साथ जा रहे हैं आप? आप जा रहे हैं डी के साथ, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच ऑफ इकोसिस्टम? आपको पता है बेटा ये बायोमास की बात कर रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात कर रहा है। आपको पता है बेटा जी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसका पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होता है? वो इन्वर्टेड होता है। तो फॉरेस्ट हो जाएगा, मरीन, ग्रास लैंड और टुंड्रा। जवाब दीजिए, मरीन मतलब ओशन एंड सी, महासागर और सागर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या बताएंगे आप? बी मरीन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इकोटोन इज, इकोटोन क्या है? ए पोल्यूटेड एरिया है, द बॉटम ऑफ ए लेक है, ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज है, ए जोन ऑफ डेवलपिंग कम्युनिटीज है। इकोटोन, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड? लाइट कंडीशन को ग्राउंड पर कौन कंट्रोल करता है? लाइनास एंड क्लाइंबर की, श्रब्स की, टाल ट्रीज की, हर्ब्स। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी डी, ए लाइनास एंड क्लाइंबर, लाइनास उडी क्लाइंबर होता बेटा, श्रब्स है कि टाल ट्रीज है कि हर्ब्स है? क्वेश्चन नंबर 17 का सी जाएगा, टाल ट्रीज। द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी इज, इमाइग्रेशन है बेटा जी या इमिग्रेशन जो भी कह लीजिए, इसमें इमाइग्रेशन में क्या होता है कि बाहर से लोग उस पॉपुलेशन में आते हैं, तो ये डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ेगी कि घटेगी? तो जब बाहर से आएंगे किसी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, न्यूट्रलाइज बाई नेटेलिटी। क्वेश्चन नंबर 18, ए बी सी डी, पॉजिटिव निगेटिव, बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव, न्यूट्रलाइज बाई नेटेलिटी। चलिए तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ए। क्वेश्चन नंबर 19, एन एसोसिएशन बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टनर इज, जो दोनों पार्टनर के लिए लाभदायक होता है उस एसोसिएशन का नाम बताइए। म्यूचुअलिज्म है कि कमेंसेलिज्म है कि अमेंसेलिज्म है कि बोथ ए एंड बी? कमेंसेलिज्म में जानते बेटा एक को लाभ होता है दूसरा अनअफेक्टेड रहता है, अमेंसेलिज्म में एक को नुकसान होता है दूसरा अनअफेक्टेड होता है, तो ये तो होगा नहीं कमेंसेलिज्म, आप बताइए क्या होगा? 19 ए बी सी डी, ए हो जाएगा म्यूचुअलिज्म। अब सुपर 20 क्वेश्चन का आखिरी सवाल बेटा जी आज है, बहुत बढ़िया सवाल है पहले ही बता देता हूँ। एन अनरिस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज कॉल्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड हम रोक नहीं रहे बेटा, अनरिस्ट्रिक्टेड बर्थ रेट है कि बर्थ रेट की, बायोटिक पोटेंशियल की, कैरिंग कैपेसिटी की, फर्टिलिटी? तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में जवाब दीजिए बेटा जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बायोटिक पोटेंशियल। तो ये आपका बेटा जी सुपर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा जी मेरी विनती आपसे है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए।
तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।